धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में कई तरह की विद्याएं हैं, कई तरह की कलाएं हैं और उन विद्या के माध्यम से इंसान बहुत कुछ भूत का, वर्तमान का और भविष्य का ज्ञान कर लेता है। जैसे हमारे जो पूर्वज थे बोले पछुआ हवा चल रही है, अब सर्दी आने वाली है, सर्दी आती ना, बोले पूर्वी चल रही है, अब गर्मी आने वाली है, बोले तूफान आने वाला। भाई कैसे पता चला? बोले इतनी तूफान के पहले इतनी शांति तूफान के पहले ही होती है, और जब इतनी शांति हो जाए मतलब तूफान आने वाला है। नौ तपा लग गए, बोले अब बारिश आने वाली है। उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी वो भविष्य की बता देते थे। बोले आज चंद्रमा इधर है, आज ये तिथि है, चंद्रमा इतना है, आज ये तिथि है, सूरज ऊपर आ गया, 12 बज गए, यहाँ आ गया, 1 बज गए, घड़ी की जरूरत, अब तो हर जेब में घड़ी है, फिर भी घड़ी की कीमत नहीं है। पहले के समय में नाऊ लड़की देखने जाता था और लड़की एक नंबर की निकलती थी, अब सारे घर वाले लड़की देखने जाते हैं। नहीं नहीं, इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगी, अपनी बात पे आ जाऊंगी, आप बहुत समझदार हैं। तो पहले पैर देख के लड़की लाते थे, क्या देख के लाते थे, और नाऊ लड़की का मुंह नहीं देखता था, लड़की का पैर देखता था कि पैर कैसा है। यदि पैर अच्छा है, सुहावना है, बढ़िया है, मतलब लड़की का हर स्वभाव भी अच्छा है, सब चीज़ बढ़िया है। और अब क्या देखकर लड़की लाते हैं? शक्ल देख के लड़की लाते हैं, और शक्ल देख के लाते हैं तो मामला गड़बड़ भी हो जाता है, ज़्यादातर ही हो रहा है, क्या बात है। अच्छा, हर घर की कहानी हो गई है, बस यही बात है। तो बात चल रही है ज्योतिष की करनी है, आज चर्चा किसकी करनी है? ज्योतिष की, कि ज्योतिष भी एक विद्या है, बहुत सारी विद्याएं हैं। बाल का विज्ञान है, आंखों का विज्ञान है, स्वर का विज्ञान है, यानी कि कोई आकर बैठा है और वो ये पूछ रहा है कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा। यदि किसी को स्वर विज्ञान आता है, और जो स्वर यानी सांस, यदि वो आता है और वो अपनी सांस को देख ले और उसको सांस देखनी आती है, तो वो ये बता सकता है कि इसका काम होगा कि नहीं होगा। और ये जो ज्योतिष है ना, कहीं बाहर नहीं है, ये शरीर भी सारा बिल्कुल ज्योतिष से बना हुआ है, पूरा का पूरा शरीर ज्योतिष से बना हुआ है। आप कमरे में आ रहे हैं और कोई ज्योतिषी हो शरीर को देखने वाला, तो उसको तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी नाक देख के बता देगा, तुम्हारी आंख देख के बता देगा, तुम्हारे चेहरे की बनावट को देख के, हाथ की जो रेखाएं हैं ना वो बाद में, पहले तो तुम्हारी शक्ल को ही देख के बता देगा, तुम्हारी हाथ की उंगलियों को देख के बता देगा कि तुम क्या हो। ज्योतिष इतनी जबरदस्त चीज है, ये सूर्य चांद के पास तो बाद में जाना पड़ेगा, ये शरीर ही पूरा ज्योतिष से बना हुआ है, बस इसको पढ़ने वाला चाहिए। जैसे हीरा को जौहरी जान सकता है, ऐसे ही बाहर के विज्ञान को जो जानता है वो ही बता सकता है। तो ज्योतिष भी एक विज्ञान है, क्या? ज्योतिष भी एक विज्ञान है। ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश, ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश। प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है, चांद से मिलता है, सितारों से मिलता है, अन्य ग्रह भी प्रकाशित हैं, बस अंतर इतना है कि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा है, उससे कम चांद का प्रकाश है, उससे कम तारों का प्रकाश है,
और उससे कम और ग्रहों का प्रकाश है जो हमें नजर नहीं आते हैं। तो इसको के जो सूर्य चांद घूम रहे हैं, जो प्रकाश दे रहे हैं, इनमें से किरणें निकल रही हैं और इनकी किरणें हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे ऊपर असर करती हैं। और अभी भी आज भी हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो कहाँ जाते हो? नहीं नहीं जन्म होने के बाद ज्योतिषी के पास जाते हो। क्यों जाते हो ज्योतिषी के पास? बच्चे की जन्म पत्री बना दो। जाते हो कि नहीं जाते हो? अब बच्चे उस ज्योतिषी ने जन्म पत्री बनाया और उसमें फलादेश लिख दिया, ये बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा ऐसा करेगा ऐसा करेगा। वो ज्योतिषी किसी का भाग्य लिख सकता है क्या? ज्योतिषी के अंदर है क्या किसी की ताकत की वो भाग्य लिख दे तुम्हारे बच्चे का, वो तुम्हारा भाग लिख दे? ज्योतिषी के अंदर ताकत है क्या? फिर उसने ये सब कैसे लिख दिया? अरे बोलिए ना, कैसे लिख दिया उसने? ज्योतिष एक गणित है। क्या है? गणित है। ज्योतिष किसी को ना देता है ना लेता है। ये सूर्य चांद ना किसी को कुछ देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं, ये तो गणित है। उस गणित के अनुसार तुम कहाँ फिट बैठ रहे हो, कौन सा सूत्र तुम पर लागू हो रहा है, वो ज्योतिषी लिख देता है। कितने बजे, कौन से दिन, किस राशि में, कौन सी तिथि में, कौन से महीने में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस समय सूर्य चांद आदि ग्रहों का क्या स्थान चल रहा है, वो फिर उसका फल क्या है, वो ज्योतिषी ने लिख दिया है। और हम कहते हैं ज्योतिषी ने बड़ी अच्छी जन्म पत्री बनाई है। क्या कहते हैं? ज्योतिषी ने बड़ी अच्छी जन्म पत्री बनाई। बताइए ज्योतिषी ने बनाई क्या है? ज्योतिषी ने जन्म पत्री बनाई? अरे वो ज्योतिषी बड़ा खराब है, बहुत खराब जन्म पत्री बनाई मेरे बेटे की। तो ज्योतिषी के अंदर किसी का भाग्य बनाने की ताकत है क्या? नहीं है। ज्योतिषी केवल गणित का वो सारा कैलकुलेशन करके और जो उसमें निकल के आता है वो लिख देता है। वो किसी का भाग्य नहीं लिख सकता। और वो तो छोड़ो, भगवान भी किसी का भाग्य नहीं लिखते। कई बार कहते हैं ना, भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है हमें तो पता ही नहीं है। कई बार कहते हैं भगवान ने तो हमारा इतना भाग्य खराब लिख दिया कि सारा गड़बड़ हो रहा है हमारे जीवन में। बोलिए, कहते कि नहीं कहते? भगवान नहीं लिखते हैं। फिर ये भाग्य कौन लिखता है? ये जन्म पत्री क्या है? ये ज्योतिष क्या है? कौन लिखने वाला है? ये जो पूर्व जन्म का पुरुषार्थ है, जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, वो इस जन्म में जन्म पत्री बन के सामने आ गए। जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वो इस जन्म में जन्म पत्री बन के सामने आ गए। अब उन कर्मों में कुछ कर्म ऐसे होंगे जो निधत्ति निकाचित होंगे, यानी कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और कुछ ऐसे होंगे तुम चाहो तो अपने पुरुषार्थ से उन्हें बदल दो और तुम चाहो तो उनका फल भोगो, ये तुम्हारे हाथ में है। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली जाने का रास्ता क्या है भाई? ट्रेन से जाओगे तो ऐसे, बस से जाओगे तो ऐसे, प्लेन से जाओगे तो ऐसे रास्ते में, और पैदल जाओगे तो फिर ये रास्ता है ना। अब रास्ते में क्या क्या मिलेगा? वहाँ का रास्ता चढ़ाव का है, फिर वहाँ उतार आएगा, फिर वहाँ बाग बगीचे आएंगे, फिर वहाँ पहाड़ियाँ आएंगी, फिर वहाँ ये आएगा। सारा नक्शा बना दिया कि यहाँ पहाड़ी है, यहाँ प्लेन है, यहाँ मैदान है, यहाँ बाग बगीचे हैं, यहाँ कांटे कंकड़ हैं, यहाँ कंकड़ पत्थर हैं। सारा रास्ता नक्शे में बना दिया। बस यही जन्म पत्री है कि हमारे कौन से दिनों में बाग बगीचे यानी सुख मिलेंगे और कौन से दिनों में कंकड़ पत्थर यानी दुख मिलेगा। अब उनमें आप कितना आप उन में आप परिवर्तन कर सकते हो। जिस रास्ते में अंधेरा मिलना है तो दीपक लेके चल लो। यदि रास्ते में अंधेरा मिलना है तो वो भी जन्म पत्री में लिखा है, और लिखा है तो दीपक की तैयारी रखो। ये तो पक्का है कि जहाँ दिन है
वहां रात भी है, जहां उजाला है वहां अंधेरा भी है, और जहां उजाला है वहां परछाई भी है। बोलिए हाँ या नहीं। जहां फूल हैं वहां कांटे हैं, और जहां परछाई है वहां उजाला भी है। उजाला है तो परछाई है, और उजाला नहीं है तो परछाई भी नहीं है। यानी इधर उजाला है तो इधर अंधेरा है, और इधर इधर अंधेरा है तो इधर उजाला है। ये सब चीज साथ साथ चलती है। अब इनको मैनेज कैसे करना है, इस बात का ज्ञान हमें होना जरूरी है। यदि हमें इस बात का ज्ञान है कि अपनी जन्म पत्री के अनुसार अपने जीवन को मैनेज कैसे करना है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन को बड़ा व्यवस्थित बना लेता है, बड़ा बढ़िया बना लेता है। भाई पता है कि सामने ऐसे निमित्त मिलेंगे, हमारी किस्मत में है कि ऐसे निमित्त हमें मिलने हैं। अब उन निमित्तों के समय में हम शांत रह के हम कैसे अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएं, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। कईयों की जन्म पत्री में लिखा होता है कि यदि आप बाहर जाओगे तो वहां आपका विकास होगा, गांव में रहकर नहीं होगा। कईयों को लिखा रहता है घूम घूम के आप व्यापार करो तो व्यापार सही होगा। कुछ को लिखा रहता है जहां रह रहे हो वहीं रहो तो ठीक होगा। अब पढ़ने वाला चाहिए ना। कुछ लोग ज्योतिषी को दोष देते हैं या ज्योतिष को दोष देते हैं। ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, ज्योतिषी कमजोर हो सकता है, ज्योतिष कमजोर नहीं हो सकता। और कुछ लोग तो कहते हैं बोले ज्योतिष तो झूठा है। क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना। हाँ कुछ नहीं होता जन्म पत्री, हम नहीं मानते हैं। अरे तुम्हारे मानने से क्या सूरज नहीं निकलेगा? तुम नहीं मानते तो मत मानो, जो है सो है। ज्योतिष झूठा नहीं हो सकता। और एक बात और बड़ी गहरी बताऊं, जो ये कहते हैं कि ज्योतिष झूठा है, वो ये मान लो कि भगवान महावीर की वाणी को झूठी करते हैं। क्योंकि भगवान महावीर की वाणी में धर्म तो है ही, ज्योतिष भी है, भूगोल भी है, खगोल भी है, यंत्र भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी है, सारी विद्याओं का उपदेश भगवान महावीर की वाणी में आया है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ज्योतिष झूठा है? यदि हमने ये कह दिया कि ज्योतिष झूठा है, तो समझना हमने ये कह दिया कि भगवान महावीर की वाणी झूठी है। इसलिए जो चीज का आपको ज्ञान ना हो तो ये मत कहना कि ये गलत है, ये मत कहना कि ये झूठी है। ये कहना कि मुझे ज्ञान नहीं है, अपनी कमी मानना, भगवान की कमी या विद्या की कमी मत मानना। थोड़ा सा आवाज बढ़ो। विद्या की कमी मत मानना। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है। यदि बढ़िया ज्योतिषी हो तो सारी चीज बिल्कुल ऐसे पढ़ देगा जैसे सारा कुछ किताब में लिखा हुआ हो। जन्म पत्री में क्या रहता, वो 12 एक चौकोन डिब्बा होता है, उसमें लाइनें होती हैं और 12 खंड होते हैं, 12 राशि होती है और 9 ग्रह होते हैं। बस इतनी ही चीज तो है ना, और इतने में पूरा जीवन लिखा है। और आप ये सोचो इन 12 खंडों में दुनिया के असंख्यात मनुष्यों का भविष्य लिखा है। 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं, और मनुष्य कितने हैं? जैसे आपका मोबाइल है ना, डिजिट कितनी है? 9, 10 हो गई क्या? अब पहले 9 चलती थी, अब 10 हो गई है। केवल 10 के, और गिनती भी कितनी है? 1, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और 10 लाओ तो एक पहले वाला आ गया, 11 लाओ तो एक डबल वाला आ गया, 12 लाओ तो एक और दो आ गया। 9 तक ही है गिनती, इससे ज्यादा नहीं है। और मोबाइल के कितने सारे नंबर बन गए, और सारे बिल्कुल सही जगह जाके फिट होते हैं। तुमने यदि मम्मी को लगाया तो मम्मी को लगेगा, पापा को लगाया तो पापा ही को लगेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। और तुमने एक अक्षर भी गलत कर दिया, कितना, एक अंक, 2 की जगह 3 कर दिया या 3 की जगह 4 कर दिया, तो किसी और को जाके लग जाएगा। जब कभी कोई गलती होती है तो लोग क्या कहते हैं, ये छोटी सी तो बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतना वो कर रहे हो, छोटी सी तो गलती है। अरे छोटी सी गलती से नंबर गलत डायल हो जाता है,
दूसरी जगह लग जाता है, और गलती को गलती नहीं मानने के लिए वो गलती को छोटी बताते हो, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कमी को बचाने के लिए दूसरों को गलत ठहरा देते हो। कहते गलती हो गई, एक बड़ा अच्छी बड़ी अच्छी बात याद आ रही है कि लोग गलती हो गई कह के अपने आप को बिल्कुल साफ करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, ऑपरेशन करते करते वो कैंची जो है पेट में भूल गया और उसने सिलाई कर दी, ठीक है। अब वो पेट में दिक्कत हो रही है, अब घर वालों ने कहा भाई आपने ऐसा ऐसा कर दिया, बोले जी गलती हो गई, उत्तम क्षमा। बोलिए इतने में बात बन जाएगी हैं? अरे बोलिए ना, इतने में बात बन जाएगी, थोड़ा ईको बढ़ा दे, इतने में बात बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी, फिर क्या करोगे? हाँ, इसीलिए गलती को गलती मानना, गलती को गलती मानकर उसे दूर करने का प्रयास करना, उत्तम क्षमा करके अपने आप को बचाने का प्रयास मत करना, गलती को गलती मानकर उसे दूर करने का प्रयास करना। तो बंधुओं, ये जो 7 दिन नाम रखे ना, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये कैसे रखे हैं, किसने रखे हैं, कहाँ से शुरू हुई है ये? अरे बोलिए ना, ये कि सोमवार को ही सोमवार क्यों कहते हैं? इतवार को सोमवार कह लो, शुक्रवार को सोमवार कह लो। अरे बोलिए ना, सब काम करते हैं मगर उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। सोमवार को चंद्र ग्रह का जोर होता है, मंगलवार को मंगल ग्रह का जोर होता है, बुध को बुध का, गुरु को गुरुवार का, और शुक्र को शुक्रवार शुक्र ग्रह का, शनि को शनि ग्रह का, और रविवार को सूर्य ग्रह का। और जो राहु और केतु हैं ये छाया ग्रह हैं, ये ग्रह पूरे नहीं हैं, ये छाया ग्रह माना गया है इन्हें, ग्रह तो साथी हैं, जो वर्तमान में ज्योतिष है उनके हिसाब से, और भगवान महावीर के हिसाब से ग्रह 88 हैं। कितने हैं? 88 हैं। और आपने वैज्ञानिकों के द्वारा खोज में कई बार अखबार में पढ़ा होगा, एक ग्रह यहाँ मिल गया, एक ग्रह नया ग्रह यहाँ मिल गया, नया ग्रह वहाँ मिल गया, अक्सर खोज चल रही है और ग्रहों की खोज चल रही है। लेकिन ध्यान रखना, कब तक मिलेंगे? जब तक 88 पूरे ना हो जाएं तब तक ये ग्रह मिलते रहेंगे, क्योंकि भगवान महावीर ने बताया ग्रह कितने हैं, 88 हैं, 88। तो हालांकि 9 ग्रह में हमारे भविष्य का काम चल जाता है, 9 ग्रहों में हमारा भविष्य लिखा जा सकता है, इसलिए बाकी ग्रहों को छोड़ दिया होगा। तो जो 7 दिन हैं ये भी ज्योतिष का एक पार्ट है। बोले सोमवार को ऐसे कौन से काम करें, मंगल को कौन से, बोले जमीन का काम है, बोले मंगल को करो, बोले लेने देने का काम है, बोले बुध को करो। पता नहीं, मुझे तो अच्छे से याद नहीं है, पढ़ा तो मैंने है ज्योतिष, बताने के लिए नहीं, खुद की संतुष्टि के लिए। हाँ, यदि कोई विद्या का काम हो, स्कूल को एडमिशन कराने का काम हो, कोई शास्त्र पढ़ना शुरू करना हो, तो कौन से दिन? गुरुवार के दिन, है ना? ऐसे सारे इसके फिक्स हैं, हमारे योगेश ही बताएंगे, इन्हें पता है, इन्होंने अच्छा ज्योतिष पढ़ा है। तो मतलब 7 दिन में सबके काम भी अलग अलग हैं, यदि आप कर लोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। बोले इस दिन इस दिशा में जाओ, इस दिन इस दिशा में जाओ, इस दिन इस दिशा में नहीं जाना, दिशा शूल है। यदि अच्छा काम करने जा रहे हो, यदि आप किसी विशेष काम से जा रहे हो, तो आप दिशा शूल देख के जाओ, हर समय नहीं देखना, दिशा शूल देख के जाओ। बोले चौघड़िया देख लो, पंचकल्याणक करने हैं, बोले प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाल दो, वेदी प्रतिष्ठा करनी है, बोले उसका मुहूर्त निकाल दो। अरे बोलिए ना, ऐसा करते कि नहीं करते? बोले हमारे घर का नांगल है, हमारे घर का उद्घाटन करना है, क्या करें? बोले ज्योतिषी के पास जाके मुहूर्त निकलवा लो,
ऐसा क्यों करते, ये क्या है, ये सब ज्योतिष है। क्योंकि जो किरणें घूम रही हैं उनसे जो रिफ्लेक्शन बनता है, उससे जो योग संयोग बनता है, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव किरणें हम पर पड़ती हैं और हम पर असर करती हैं। और ये सारा काम केवल ढाई दीप में है, जम्बूदीप, धातकी खंड और पुष्करार्ध दीप। बस ये ढाई दीप के अंदर ये ज्योतिष चलता है। स्वर्गों में ज्योतिष नहीं है क्योंकि वहाँ सूर्य चांद नहीं है। नरकों में ज्योतिष नहीं है क्योंकि वहाँ सूर्य चांद नहीं है। ढाई दीप के बाहर ज्योतिष नहीं है क्योंकि वहाँ सूरज स्थिर है, चांद स्थिर है। वहाँ जितने भी ज्योतिषी देव हैं, तारे हैं, वो सारे स्थिर हैं, वहाँ पर घूमने वाले नहीं हैं। तो ये जो ज्योतिष है ना, वो केवल ढाई दीप में चलता है, कर्म भूमि में चलता है। भोग भूमि में भी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ तो एक सा जीवन है, कल्प वृक्ष हैं, कोई काम तो करना नहीं है। उन्हें मकान बनाना नहीं है, दुकान खोलनी नहीं है, फैक्ट्री बनानी नहीं है, शादी विवाह करने नहीं है, उन्हें उन्हें कुछ भी नहीं करना। कल्प वृक्षों के माध्यम से मिल जाता है, आराम से भोजन करते हैं, आराम से घूमते फिरते हैं, सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, तो वहाँ पर ज्योतिष की ज़रूरत ही नहीं है। तो ज्योतिष की ज़रूरत कहाँ है, तो कर्म भूमि में ज्योतिष की ज़रूरत है, जहाँ पर इंसान कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। उस पुरुषार्थ को, उस मेहनत को, उस कर्म को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात का फल जानने के लिए ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। बंधुओं, ज्योतिषी और ज्योतिष, आजकल ज्योतिषी तो बहुत हैं, अब ज्ञान कितना है ये आपके हमारे जानने का विषय नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। वो जो कह देगा हम तो वही मान लेंगे। जैसे डॉक्टर है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और जरा सी इतनी सी हार्ट की ब्लॉकेज होगी ना, इतनी बताएगा, अरे 90% है, बस आप तो घर वापस जाना ही मत, आप तो बिल्कुल एडमिट हो जाओ, आपको तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। वो कहेगा भाई घर तो चला जाऊं। नहीं नहीं घर भी मत जाना, यदि घर चला गया तो दूसरे हॉस्पिटल में चला जाएगा। अरे बोलिए ना, और दूसरी हॉस्पिटल में गया तो केस वहां चला जाएगा, मेरा तो प्रॉफिट गया। एक भाई थे, बोले एक अस्पताल में मैं दिखाने गया, बोले 90% ब्लॉकेज है, बस आप घर तक मत जाओ वापस, आपको तो रात को ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा भाई देख, तेरे कहने से मैं नहीं करवाऊंगा, भले मैं मर जाऊं मगर तेरे कहने से नहीं करवाऊंगा। वो वापस आए घर में, फिर उसके बाद उन्हें किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाई, उसने थोड़ी सी और कम बताई, फिर एक उन्होंने किसी योगाचार्य को बताया, उनने कहा मेरे कहने से आप 15 दिन अनुलोम विलोम कर लो, योगा प्राणायाम कर लो। उन्होंने किया, आयुर्वेदिक दवाई खाई, उन्हें करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता है, नहीं तो सारे मेरी बात मान के माता जी ने कहा है तो ऑपरेशन। लेकिन फिर भी, क्योंकि वर्तमान समय में किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, अरे आप घर से चल के यहाँ तक आए कैसे, आपकी हालत तो चलने की है ही नहीं है, आप इतने जीने चढ़े कैसे आपने, वो ऐसा आपको कर देगा कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। आप कहोगे डॉक्टर साहब बस बचा लो, क्या कहोगे, बचा लो डॉक्टर साहब, बस आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। तो आप ज्योतिषी के पास जाओ, अरे भाई साहब आपका तो शनि चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 ही चल रही है, यदि आपने ये उपाय नहीं किए तो और खराब हो जाएगा, और बर्बाद हो जाएगा, आपका तो काल सर्प योग चल रहा है, आपका तो ये चल रहा है। ठीक है, उसका उपाय भी है, लेकिन वो इतना डरा के करवाते हैं, और उसको डराने का एक ही मतलब होता है, जब तक तुम डरोगे नहीं तब तक पैसे नहीं दोगे। ये गलत तरीका है, आप उपाय करो, आप उसे शांति से बताओ कि इतना आप ये 40 पढ़ेंगे, ये करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते बस आप तो ये सब बर्बाद हो जाएगा, आप तो सब खत्म हो जाएगा, आप तो ऐसा करवाओ, बिल्कुल यानी केवल दुकान चलाना मात्र रह गया इसका काम, व्यापार बन गया ये समझ लो।
जैसे कि विद्या पहले एक सेवा थी, गुरुकुल में होती थी, सेवा थी, है ना। अब तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर और बड़े बड़े खुल गए, क्या सब व्यापार, हर चीज का व्यापारीकरण हो गया है। ऐसे ज्योतिष का भी व्यापारीकरण हो गया है, और जबकि ज्योतिष व्यापार की चीज नहीं है। यदि कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्योतिष सीख ले और उसके घर में अपना काम भी है और थोड़ा सा ज्योतिष का भी सबको सहायता करते रहे, तो ऐसा चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और अभी भी हैं ऐसे लोग जो ऐसा कर रहे हैं कि जिनका अपना घर का काम चल रहा है और साइड में कि सबकी सहायता करते रहते हैं, मुहूर्त बताते रहते हैं, सब करवाते रहते हैं, है ना। तो ज्योतिष एक बहुत अच्छी विद्या है, हम इसको झूठा नहीं कह सकते। जहाँ हम अध्यात्म में आएंगे तो यहाँ ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी, वहाँ केवल आत्मा प्रधान हो जाएगी। जब अध्यात्म में आएंगे, निश्चय में आएंगे, तो वहाँ केवल आत्मा प्रधान है। लेकिन जब हम व्यवहार में आएंगे तो वहाँ ज्योतिष भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है, वहाँ फिर सारे काम है। और आज शनि अमावस है। कौन सी अमावस है? अरे बोलिए ना। तो शनि और अमावस का क्या मतलब होता है? आज कौन सी वार है? आज अमावस है और तिथि कौन सी है? अमावस। शनि का रंग काला, अमावस का रंग काला, और मुनिश्रतनाथ भगवान का रंग है ना। आप जो है गणित पढ़े हैं, उसमें यदि माइनस माइनस तीन कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस थोड़ी आएगा, प्लस आएगा। हाँ, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते तीन। हाँ, तीन है ना, तीन हो गए, तीन है। शनिवार, अमावस और मुनिश्वरनाथ भगवान। अब ये प्लस हो गया, अब इसमें से पॉजिटिव ऊर्जा हो गई। यदि दो होते तो अच्छा, माता जी का आशीर्वाद। बिल्कुल, इसीलिए तो आज यहाँ पर मैंने कहा कि इस सोनागिर पर्वत पर 15 नंबर मंदिर में भगवान मुनिश्रतनाथ स्थित हैं, तो आज के दिन अभिषेक जरूर होना चाहिए। इसलिए आज यहाँ पर अभिषेक करवाया, शांति धारा करवाई और ये विधान हो रहा है। तो आज बड़ा अच्छा भी लग रहा, और जहाजपुर में विशाल मेला के रूप में, वहाँ अभी शायद लाइव प्रोग्राम भी चल रहा होगा, पारस चैनल पे लाइव चल रहा होगा, अभिषेक चल रहा होगा वहाँ पर, वहाँ भी बड़े भक्त आते हैं। अब लोग कहते हैं, बोले अच्छा आज ही के दिन क्यों अभिषेक करें, और दिन नहीं कर सक करिए, और दिन क्या फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं मुहूर्त का भी महत्व होता है। यदि मुहूर्त का महत्व ना हो तो फिर अपना मकान कभी भी शुरू कर लो, कभी भी नांगल कर लो, कभी भी दुकान खोल लो। यदि आपके पुण्य होगा तो क्या होगा, आपको अपने आप ही सही मुहूर्त मिल जाएगा। और यदि थोड़ा सा भी पुण्य कम पड़ गया तो मुहूर्त गलत मिल जाएगा। इसीलिए सावधानी जरूरी है। आप चल रहे हैं, देख के चल रहे हैं, तो आपको, आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे, लेकिन यदि देखकर नहीं चलेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। ऐसे ही ज्योतिष है, यदि ज्योतिष का उजाला थोड़ी सा ले लिया जाए, थोड़ा सा उसके उजाले का उपयोग कर लिया जाए, तो इस जीवन के दुख रूपी गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे। वैसे तो मैं ये कहती, जैसे आप पूजा कर रहे हो ना, आपके पूजा जो अष्ट द्रव्य से रोज पूजा करता है ना, उसके 9 ग्रह तो वैसे ही शांत हो जाते हैं। मुनिश्वरनाथ भगवान की छवि देख के लोग ऐसे बोलते हैं, घर जाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लगता है यही रह जाओ। इतना अच्छा स्वस्ति धाम बना है, माता जी ने कितना अच्छा बनाया है। अब माता जी को मैं क्या कहूँ, माता जी ने तो अपना पूरा यहाँ सब अर्पण कर दिया है, तन मन धन सब लगा दिया। धन तो नहीं है उनके पास, लेकिन श्रावकों से पूरा धन लगवा दिया है, जो नहीं देते थे वो भी आकर देते हैं, है ना। तो अब मैं और क्या बोलूँ, मेरे विनोद जी हैं, यहाँ की कमेटी है, यहाँ के जो यहाँ का हमारे शास्त्री जी हैं, भानु जी हैं, इन लोग इतना यहाँ करते हैं, इतना अनुशासन बना के रखे हैं कि यहाँ व्यवस्था कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, चाहे यहाँ रहने की हो, चाहे अभिषेक की हो, चाहे खाने की हो, सब जगह शांति ही शांति है। आप लोग आइए और स्वस्ति धाम में भगवान के दर्शन करिए।
आज आप सभी ने भारत चैनल के माध्यम से देश नहीं माताजी विदेश में भी आज मुनिसुतनाथ भगवान के अभिषेक और शांतिदा देखने को मिली है। 156 देशों में आपको भारत चैनल मुनिसुतनाथ भगवान के अभिषेक डायरेक्ट लाइव दिखाया है। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि सभी भक्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज शनि अमावस्या का दिन है, हमारे बीच हमारी गुरुमा जिन्होंने इस क्षेत्र को अल्प समय में डेवलप किया वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कण कण में, कण कण के हृदय में स्वस्ति भूषण माता जी विराजमान है। माता जी का आशीर्वाद हमेशा सभी भक्तों पे बना रहता है। माता जी का चतुर्मास सोनागिरी में चल रहा है और आज शनि अमावस्या आप सभी पधारे, उसके लिए बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने यहाँ आके अपने पुण्य को बढ़ाया। आप सबका साधुवाद जिन्होंने भी शांति धारा ली, प्रथमाभिषेक किया, 5100 के कलश में बोली लिखाई, सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ हमारे बीच जस्टिस एन के शेट्टी साहब हैं, वो आए और अपने उद्गार, आपकी सेवाएं हमेशा यहाँ पे तत्पर रहती है, आप आके यहाँ पे बताएगा आपको कैसा लगा। आज के इस अवसर पर जो भी पुण्यशाली आत्माएं यहाँ पर आई हैं और जो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो शनि अमावस्या है और मुनि सुव्रतनाथ भगवान का आज दिन है, उसके जो भी दर्शन और अवलोकन कर रहे हैं, उन सभी पुण्यशाली और भाग्यशाली आत्माओं को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आइए पूरे, मैं आदरणीय विनोद जी और समस्त कमेटी के जो सदस्यगण यहाँ पे उपस्थित है सबसे निवेदन करूंगा, ट्रस्टी गणों से आप सब भी आए और इनका सम्मान करें, जोरदार तालियों से विनंदन। आज के सौ धर्म नमन कर बड़े बाबा के मस्तक पर पहला अभिषेक करने का महापुण्याजन परिवार ने, बीना वालों ने पुण्याजन किया था, जोरदार तालियों से इनके भावक की पुण्य की अनुमोदना करते हैं। बोले मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय, गण्य आरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय, सभी उपस्थित भक्तों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज बड़ा खुशी का दिन है जाजपुर वालों के लिए, पूरे कोटा के लिए और पूरे विश्व के लिए। आज शनि मास पर यहाँ पर सभी उपस्थित हुए, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबा मुनिसुत्तत्व भगवान का अतिशय और स्वस्ति भूषण माता जी का जो वात्सल्य है वो देखते ही बनता है। नामी माता जी, आज बड़े ही हर्ष का दिवस है हम सबके लिए। शनि अमावस्या के दिन हमें साक्षात विराजमान मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन हुए, उनका अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सब अनुकंपा कृपा माताजी स्वस्ति भूषण माताजी की है। आज उन्हीं का ही चमत्कार है कि आज इस जंगल में ही मंगल हो रहा है और आज उन्हीं की कृपा से आज मुनि सुव्रतनाथ भगवान के हमें अभिषेक और दर्शन का लाभ मिल रहा है। बारम्बार वंदामी माताजी, वंदामी वंदामी। एक मिनट का टाइम लूंगा सबका, एक बार सभी सुनिए आप सबको यहाँ आके कैसा लगा, कृपया सभी जवाब दें आप सबको यहाँ कैसा लगा, और कौन ऐसा भक्त बनना चाहता है कि यहाँ जाजपुर आए और वो चाहे कि भगवान मेरे को यहाँ स्वस्ति धाम के गेट पे लेने आए कि भगत तू आ जा, कौन चाहता है कि भगवान मेरे को गेट पे लेने आए, हाथ खड़े करिए कि भगवान मेरे को लेने आए। तो मैं यही कहने चाहूंगा भगवान की भक्ति में ऐसे रम जाओ कि आप जब भी यहाँ आए जाजपुर और मन में सोच के आए प्रभु मैं आ गया हूँ आप मेरे को लेने आ जाइए, ऐसे प्रभु की भक्ति में रम जाओ। तो यही कहना चाहूंगा दो लाइन में, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। Thank you.
सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ अपने इस मानव भाव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाँ